सभी को मेरा जय गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया है संगत जी कि मैं आज गुरु जी के का सत्संग कर सकूं। तो महाराज की कृपा से आज मुझे सत्संग करने का मौका मिला है संगत जी, और ये मौका बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। गुरु जी कहते सन कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो गुरु महाराज जी ने मुझ पर कैसे कृपा की और उनकी कैसे महाराज की दया मुझ जैसे एक बहुत ही छोटे, मैं कहूँगा किरम पर महाराज ने की है। सो उसकी आज जो समय मुझे मिला है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप सभी संगत इसी तरह जुड़े रहिएगा, और शुरुआत जो मैं करूँगा आज अपने सत्संग की करने से पहले, क्योंकि कई संगत जानना चाहेगी या उसको पता होना चाहिए कि हमारी मेरा बैकग्राउंड जो था वो कैसे था, या मैंने मेरा बर्थ कहाँ का है, या मैंने कैसे सीखा ये सब कुछ। सो मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा जन्म जो है, मेरा बर्थ जो है वो गाज़ियाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश NCR में। और एक आई कैन से कि एक मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब जो जल निगम डिपार्टमेंट में जिन्होंने अपनी जॉब की और सेवा की, जहाँ मेरे डैडी जॉब किया करते थे, वहीं उनकी एक उनका एक नियम था कि अपनी जॉब पे जाने से पहले, काम पे जाने से पहले वो गुरुद्वारे साहिब कीर्तन करके जाया करते थे। आसा जी की वार का कीर्तन करना, कीर्तन करना, हाजिरी लगा के गुरु दरबार की, और फिर वो अपने ऑफिस जाया करते थे। मेरे घर में मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर्स ने सभी को ये मौका मिला कि वो 6-6, 7-7 साल का कोर्स करें और म्यूज़िक को, संगीत को सीखें, और लेकिन मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं किसी गुरु या किसी मास्टर के पास जा सकूं और उनसे सीख सकूं। लेकिन डैडी के साथ, फादर साहब के साथ मैंने गुरुद्वारा साहिब जाना, और उनके साथ मैं तबला बजाया करता था उस समय, जब मैं 6-7 साल का था। तो और मेरी मदर जो थी, मेरी मदर उस समय माता की भेंटें जो हैं बहुत अच्छा गाया करती थी मेरी मम्मी। तो और साथ में ही वो अपनी एज अ हाउस लेडी भी थी, और निटिंग का काम, स्वेटर बनाना मेरी मम्मी का काम था। एज अ सेट कि हम लोग बिलोंग टू मिडिल फैमिली, और उन्होंने बहुत, हमारे पेरेंट्स ने बड़ा ही हार्ड वर्क किया और अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करने की पूरी कोशिश की। तो जर्नी यहाँ से शुरू होती है, और ये कनेक्शन जो है गुरुजी की उस बात से ये मैं जोड़ना चाहूँगा धीरे धीरे, जैसे 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 मैं आगे चलूँगा, कि तबला बजाने से शुरुआत हुई, रिदम से मैंने अपना म्यूज़िक को शुरुआत किया। एक तरह से सीखा नहीं था किसी से, बट गुरु जी की कृपा से मैंने बजा लिया। जब मैं 12 और 13 साल का था करीब, तो उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, मई और जून का टाइम था। तो मेरी मदर ने, मेरी मम्मी जी ने कहा कि तू खाली बैठा रहता है तो क्यों ना कुछ म्यूज़िक सीख ले, कुछ कुछ कर ले। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ बजाना, मुझे तो हारमोनियम बजाना ही नहीं आता मम्मी, मैं कैसे कैसे कुछ बजाऊं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू टेंशन ना ले, मैं तुझे आज शब्द सिखाती हूँ। तो मेरी मम्मी जी ने उस समय मुझे कुछ शब्द जो हैं उस समय सिखाए, जिसमें से एक शब्द जो सबसे पहला शब्द था, जेतु बेलिया तन मन दे नाल सेवा करदा जाएगा, सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर तो तरदा जाएगा। और साथ में एक शब्द मैंने और सीखा था, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहीं होर। ये दो शब्द मेरी मम्मी जी ने मुझे सिखाए,
और मैंने यहाँ से शुरुआत की हारमोनियम बजाने की और गाने की। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, तो मैं दो लाइनें ज़रूर उसी शब्द की ज़रूर सुनाना चाहूँगा जिससे मेरी जर्नी म्यूज़िक लाइन में, मैं कह सकता हूँ, या मैंने कीर्तन करना जो शुरू किया, वो जो शब्द था, जे तू बेलिया तन मन दे नाल सेवा कर दा जाएगा। तो इसकी दो लाइनें आप ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद मैं अपना गुरुजी के साथ, महाराज के साथ जो मेरा सत्संग शुरू हुआ 2003 में, मैं वहाँ भी जल्दी पहुँचूँगा। तो उससे पहले ये दो लाइनें आपको सुना देता हूँ। हो जी तू बेलिया तन मन देना सेवा करना चाहेगा, सतना वाहिगुरु करदा भव सागर तो तरदा जाएगा। जी तू बेलिया तन मन देना सेवा करदा जाहेगा, सतना वाहिगुरु करदा भव सागर तो तरदा जाहेगा, सतना वाहिगुरु सतना वाहिगुरु। ये शब्द जो मैंने सबसे पहला शुरुआत की जब मैंने म्यूज़िक को हारमोनियम पे हाथ रखा, उसके बाद भी जब मैं 13-14 साल का था तब भी मैंने किसी गुरु से, किसी टीचर से सीखा नहीं। जर्नी आगे बढ़ने लगी और 17-18 साल के करीब मैंने जब पहली बार गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन करने के मुझे अवसर मिला और मैंने हाजिरी लगाई, तो मुझे उस दिन बहुत खुशी प्राप्त हुई, बहुत खुशी मिली। और जो म्यूज़िक मैं या जो शब्द मैं सुना करता था, चाहे वो भाई हरबंस सिंह जी का, या भाई, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो भाई चमनजीत सिंह जी लाल, जिनके आप बहुत सारे गुरबाणी के शब्द सुनते हैं, तो मेरे मामा जी हैं, तो मेरे नाना जी, मेरे दादा जी, सभी ने गुरुद्वारा साहिब जाके और कीर्तन की सेवा बहुत की है, और वो निष्काम सेवा की है जिसमें केवल एक सेवा भाव था उनका। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा, तो 18 साल की, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, में मुझे कनाडा जाने का मौका मिला। 2 साल मैं वहाँ पे रहा और पढ़ाई की, और उसके बाद मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गया। और इसी लाइन को ही मैंने, म्यूज़िक को या संगीत को ही मैंने अपना, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को, जो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में यही करना है, मैंने मैंने अपने मालक के जस को ही गाना है, या अपने गुरु के जस को, यश को ही गाना है। तो इससे इससे आगे मेरी कहा जो है लाइफ बढ़ने लगी। और जो भी संगीत कहीं सुनना और उसको कुछ ट्यून को ध्यान में बैठा लेना और उसी को मैंने हारमोनियम पे निकालना और फिर आगे स्टेज पे गा देना, तो ये गुरु जी की कृपा से मेरे को एक दात मिली हुई थी, क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं, बट मैंने जो चाहा मैं बजा लेता था। तो जब गुरु साहेब से 2003 में मुझे मिलने का अवसर मिला संगत जी, तो मैं अब उस बात पे आने लगा हूँ कि गुरुजी से मेरा मेल कैसे हुआ, या महाराज से, महाराज के दर्शन मुझे किस तरह हुए, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस समय। तो गुरुजी के चरणों में 2003 में मैं किसी संगत जो है वो उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला, और उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं तो आप भी एक बार उनका जाके दर्शन करिए। तो गुरु के, महापुरुषों के, संतों के, किसी के भी दर्शन करने बहुत ही दुर्लभ बात होती है, तो और जिसे दर्शन हो जाए ये बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी, मैंने कहा कि ज़रूर मैं आपके साथ चलूँगा। तो मिसेस पाल आंटी मुझे और उनके साथ एक दो संगत और भी थी जिनके साथ मैं गुरु जी के चरणों में फर्स्ट टाइम में जो गया वो था एम्पायर स्टेट में, गुरु जी के चरणों में। जिस समय मैं गया तो उस समय गुरु साहिब उस समय मौजूद नहीं थे, तो सिंहासन पे नहीं थे उस समय। तो जब महाराज के चरणों में गया, अंदर दरबार में गुरु जी के वॉल्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्वरूप साहब लगे हुए थे गुरु जी के, बहुत सुंदर सुंदर, किसी में लाल चोला गुरु जी ने पहना, किसी में गुरु साहिब ने येलो चोला पहना हुआ है। तो देखकर जो एक पहला, जैसे कहते हैं, पहला इम्प्रेशन हमारे दिमाग में क्या पड़ता है,
तो वो जो मेरे पढ़ा था, मैंने सोचा कि कोई ऐसा लगता है कि कोई कोई किसी किसी देश का कोई राजा जैसे होता है, तो कोई राजा महाराजा लगते हैं गुरुजी जिनके हम दर्शन करने आए हैं। तो सचमुच जब गुरु महाराज थोड़े समय बाद अपने सिंहासन पर आकर बैठे और सभी संगत ने मत्था टेका और गुरु मर्यादा से जो चाय प्रसाद सभी संगत को मिला, लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी से आज्ञा लेकर जब हम लोग बाहर आए, ये संगत के साथ में गया था, तो उस संगत ने मुझे यही बताया, कहते हैं गुरुजी ने मुझे ये बताया है, मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला पर उस संगत को जिनके साथ हम गए थे, कहते हैं गुरुजी ने हमें बताया है कि जिसको साथ लेकर आई हो ये पिछले जन्म का भी बैरागी कीर्तनिया। बैरागी कीर्तनिया होता है जैसे कोई वीणा के साथ, जैसे नारद मुनि साहब, नारद मुनि जी या तो वीणा के साथ जो कीर्तन किया करते थे, पिछले जन्म में भी ये कीर्तनिया था, प्रभु के गुणों को गाता था और इस जन्म में भी इसको यही दात मिली है। तो मैं अब इस बात का कनेक्शन इसलिए करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया, सीखा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कोई गुरु या मैंने किसी मास्टर के पास जाके नहीं सीखा, तो जब मैंने उंगलियां रखी तो अपने आप ही उंगलियां जैसे चलने लगी। तो मुझे इस बात का कनेक्शन गुरुजी की इस बात से लगा कि गुरुजी ने कहा पिछले जन्म का भी तू कीर्तनिया था, तुझे ये दात मिली हुई थी। तो कई बार हम जब इतिहास पढ़ते हैं, भगत रविदास महाराज जी की मैंने कथा को पढ़ा कि कई बार ऐसा होता है कि हमने जो पिछले जन्म में जो हमने काम किया है उसकी कई बार जो उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है हमारे को अगले जन्म में भी कई बार याद रह जाता है। मैंने ऐसा महाराज के सत्संग में सुना है, भगत रविदास महाराज जी के जीवन को जब मैंने पढ़ा था, तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने कहा है कि पिछले जन्म का भी कीर्तनिया था और इस जन्म में भी इसको यही दात मिली है। तो मुझे लगा कि इसलिए शायद मेरे किसी मास्टर मैंने मास्टर के पास जाना नहीं हुआ या मेरा कोई टीचर नहीं था, क्योंकि ये बख्शीश मेरे को गुरुजी ने पिछले जन्म से ही बख्शी हुई है, तो इसलिए कभी मैंने किसी से सीखा नहीं ना किसी से ज्ञान लिया। तो ये गुरुजी के पहले वचन जो मेरे कानों में पड़े, लेकिन इस बात को इतनी गहराई से मैं उस समय नहीं समझ सका था जब मैंने इस बात को सुना था 2003 में। धीरे धीरे इस बात की मुझे समझ आई, गुरुजी ने जैसे जैसे मुझे मालिक ने कृपा की तो मुझे इस बात की समझ आई कि गुरुजी मेरे अंतर्यामी हैं, कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। तभी तो उन्होंने इस बात को जाना, क्योंकि ना तो मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, ना गुरुजी ने पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। तो ना मैंने बताया मैं कीर्तन करता हूँ या मैं सिंगिंग करता हूँ, ना गुरुजी ने पूछा था। तो ये वो अंतर्यामी मालक जो हमारी हर बात को जानते हैं। तो ये तो उसके बाद हम एम्पायर स्टेट एक बार दर्शन किया, उसके बाद गुरुजी के दर्शन करने का मौका मुझे, हम फैमिली के साथ ही गए और बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए, और उस समय तो बहुत ही लाइक लिमिटेड संगत हुआ करती थी, तो बहुत ही आराम से गाड़ी बिल्कुल बड़े मंदिर के साथ खड़ी की, दीवार के साथ ही, जैसे वॉल के साथ ही पार्किंग में, और बड़े इजीली हम लोग अंदर गए और बिल्कुल महाराज का जहाँ इस समय सिंहासन साहब है तो उसके सामने ही जाके दो चार कदम की दूरी पर हम संगत के साथ, जैसे संगत बैठी हुई थी तो हम भी जाके बैठ गए। काफ़ी देर तक गुरुजी के लाइक आई कांटेक्ट होता रहा, गुरुजी अब संगत को देखते रहे, संगत को ब्लेस करते रहे, किसी को कोई प्रसाद दे रहे हैं, तो गुरुजी के दर्शन करते रहे और जो आनंद जो महाराज ने बख्शीश करनी थी गुरुजी तो निगाह मात्र से कर देते हैं। तो उन्होंने मुझ पे दया की और मुझे महाराज ने दर्शन दिए। मैं अपने आप को बहुत इस बात के लिए भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी के मुझे दर्शन हुए। आगे जर्नी बढ़ी 2003 के बाद, उसके बाद मुझे गुरुजी के पास जाने का या गुरुजी का बुलावा नहीं आया और मैं कभी उसके बाद गया भी नहीं 2003 के बाद। लाइफ जर्नी बढ़ती रही आगे, 2003 से हम लोग गाज़ियाबाद से, मेरा बर्थ था तो हम लोग दिल्ली सेटल हो गए 2004 में आके, 2004 में मैं दिल्ली सेटल हो गया था, न्यू राजेंद्र नगर आके हम लोग। और उसके बाद
लाइफ चलती रही, आगे बढ़ती रही, समय का पता नहीं लगा, स्ट्रगल रहा काफ़ी लाइफ में, पर गुरुजी की कृपा से, मालिक की दया से, वाहेगुरु के नाम को जपते हुए हम आगे बढ़ते चलते गए। 2011 आया जब संगत जी, 2011, तो मुझे एक कॉल आई किसी अंकल की, लकी अंकल हैं, तो उनकी मुझे कॉल आती है, और नॉर्मली जैसे हम लोग कीर्तन की बुकिंग्स लेते हैं, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आपके एक सेवा है जो आप अगर करना चाहें तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइएगा। तो मैंने एड्रेस वगैरह लिख लिया और उस टाइम से मैं पहुँच गया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में दो बातों का बहुत ध्यान रखा है कि हम लोग एक तो जो कमिटमेंट किसी को कर दें, किसी को अगर हम कह दें कि भाई हम आपके यहाँ कीर्तन करना है आके, तो हम उसको पूरा करते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, पर ऐसा बहुत आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने किसी को अगर कमिट किया कि हम वहाँ आएंगे, बहुत ही रेयर कभी एक दो चांस ऐसा कुछ हुआ हो। और सेकेंडली टाइम के पंचुअल रहना, तो ये गुरु जी की कृपा से रहा कि मैंने महाराज की कृपा से ऐसे जीवन मेरा चला। 2011 में जब मुझे फ़ोन आया, तो हम सत्संग करने के लिए कीर्तन नॉर्मली हम लोग जैसे जाते हैं गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, तो हम लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गए, तो वो घर था बैम्बी आंटी जी का, जो गुरु जी से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए थे वो आंटी। तो उनके घर में जाके मुझे जब मैं गया, तो मैंने क्या देखा कि गुरु जी के वही स्वरूप लगे हैं जो मैंने 2003 में देखे थे एम्पायर स्टेट में। तो मुझे लगा कि शायद गुरु जी अभी आएंगे। आई वॉज़ नॉट अवेयर कि गुरु साहेब 2007 में चोला छोड़कर और मां समाधि ले चुके हैं, मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी। तो जब हम मैंने अपनी सेवा की, सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था और 1.5 घंटा हमने हाजिरी लगाई, कीर्तन किया वहाँ पर महाराज के चरणों में, और उसके बाद मुझे पता लगा कि गुरुजी 2007 में मां समाधि ले चुके हैं। तो ऐसे पहला सत्संग मैंने जो गुरुजी का किया वो 2011 में किया था बैम्बी आंटी के घर। समा बढ़ता रहा, उस समय अभी इतने लाइव लाइक सत्संग हुआ भी नहीं करते थे, नॉर्मली जैसे गुरु मर्यादा उस समय थी कि आप शब्द बाणी, आज भी जैसे हम लोग सीडी लगा लेना या पेन ड्राइव में लगा के और हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, तो लाइव बहुत ही कम हुआ करते थे। 2011 की बात है, साल में समझिए कि 4 या 5 सत्संग हमने किए, ऐसे 11, फिर 12, फिर 13, 14, धीरे धीरे सत्संग बढ़ने लगे गुरु जी के आशीर्वाद से। 2015 जब आया संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आपसे अब शेयर करने लगा हूँ जो मेरे गले से रिलेटेड है, मेरी आवाज़ से रिलेटेड है। तो 2015 में हम लोग नॉर्मली कीर्तन किया करते थे, तो कभी गला ख़राब हो जाना, कभी ऐसा होता है कि बहुत एग्जर्शन ले लेते हैं, कभी हम प्रोग्राम्स ज़्यादा कर लेते हैं, कभी वेदर, कभी बहुत बहुत बातें होती हैं कि आपके गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो नॉर्मली हम लोग ENT के पास जाते हैं और दवाई ली, एंटीबायोटिक्स ली और ठीक हो गए। तो ऐसा भी उस समय एक पीरियड आया मेरी लाइफ में कि हम लोग गला ख़राब हुआ, दवाई ली पर गला ठीक नहीं हो रहा था। 3 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया, 1-2 दिन ठीक रहा, फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई मेरी लाइफ में, मेरी वॉइस को लेकर, आवाज़ को लेकर, कि मैं सोच के जाता था कि मैंने ये शब्द पढ़ने हैं, मैंने ये शब्द गाने हैं या ये गुरु महिमा गानी है, पर जब मैं जाके स्टेज पे बैठता था तो मेरी आवाज़ निकलती ही नहीं थी। आप ये हम कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि जिस काम में आप, जिस फील्ड में आप हैं और आपको वो काम करना हो बट आप नहीं कर सकें, तो दिल पे क्या बीतती है। तो बड़ा ही उस दिल में अफसोस होता था कि मैं प्रोग्राम के लिए आया हूँ और किसी ने मुझे बुलाया है और मैं गा नहीं पा रहा, मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं गा पाता था। और धीरे धीरे ऐसा लगा, जब 3-4 महीने का पीरियड चलता रहा ऐसे मेरी लाइफ का, तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि शायद दिस इज़ द एंड ऑफ माई जर्नी फॉर सिंगिंग, कि मैं इसके बाद शायद गा ही नहीं पाऊँगा। और दिल में एक नेगेटिविटी बढ़ने लगी। ध्यान गुरु जी के चरणों में, एक दिन गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, गुरु जी आपने कहा था कि ये तू पिछले जन्म का भी कीर्तनिया है और इस जन्म में भी तुझे यही दात मिली है,
तो मैंने गुरु चरणों में, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की उस समय, अरदास की गुरु जी को कि गुरु जी या तो मेरी आवाज़ मुझे वापस दे दो, सॉरी, आई सेड कि गुरु जी या तो आवाज़ मुझे दो या फिर मुझे वापस बुला लो, अपने चरणों में बुला लो, मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन आपकी महिमा से है। अगर मैंने अपने सद्गुरु के गुण नहीं गाए या उसकी महिमा नहीं की तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। गुरु महाराज ने उस अरदास को स्वीकार किया और गुरु जी ने मुझे किसी डॉक्टर के पास भेजा। आई वॉज सरप्राइज जब मैं उस डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर की नेम प्लेट पे लिखा था परमेश्वर, कैन यू बिलीव। तो उनका नाम, उस डॉक्टर का नाम परमेश्वर था। सो वेन आई एंटर्ड हिज क्लिनिक तो उन्होंने पूछा, भाई आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं गुरु जी के सत्संग करता हूँ, गुरु जी के लिए गाता हूँ। अच्छा, वही गुरु जी जो छतरपुर में? मैंने कहा हाँ, तो कोई एक भजन गाइए। तो उन्होंने कहा कि कुछ गाइए, बट मैंने कोशिश करने के बाद भी बहुत ही कुछ थोड़ा बहुत उनको सुना सका, और मैंने कहा मैं नहीं गा पा रहा, मैं नहीं गा सकता। कहते हैं आप परेशान ना होइए। उन्होंने मुझे मेरा इलाज शुरू किया, मेडिकेशन शुरू की। सो विद इन लाइक वेरी लिमिटेड पीरियड मेरी आवाज़ फिर से वापस आने लगी। आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंस कि मैं अब धीरे धीरे फिर से गाने लगा हूँ। कई बार ऐसा होता था कि फिर भी सुर अटक जाते थे, पर धीरे धीरे वो साइकिल फिर से चलने लगी और आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैं अब फिर से गा रहा हूँ। एंड आई वॉज सो मच लाइक मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत लख लख शुक्र है कि आपने मुझे मेरी आवाज़ वापस बख्शी। सो महाराज के चरणों में ये मेरा सत्संग जो मेरे गले से रिलेटेड था, वॉइस से रिलेटेड था, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ा सत्संग है मेरा कि गुरुजी ने मुझे मेरी आवाज़ बख्शी। और उसके बाद 2015 में, क्योंकि मैं और भी कई जगह, जैसे गुरुद्वारे में हम लोग कीर्तन करते हैं और भी प्रेयर मीटिंग्स में कीर्तन करते हैं, तो मैंने एक दिन गुरुजी को कहा कि गुरुजी बस अब मुझे और ना भटकाना, मैं जहाँ आना चाहता था वहाँ आ गया हूँ, मुझे और कहीं नहीं भटकना, और कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, अब जो हैं आप हैं मेरे। और महाराज ने बहुत उपकार, उनका उनके कृपा हुई मुझ पर। 2016 आया संगत जी, और गुरु जी के लिए हमने पहली जो हमने सीडी निकाली जिसमें कुछ भजन हमने कलेक्शन किया और हमने सोचा कि इसको हम लोग गुरु जी के चरणों में रिकॉर्ड करके और संगत तक पहुंचाएं। ये सीडी का नाम था गुरु जी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले। तो ये भजन हमने फर्स्ट रिकॉर्ड किया था, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी और तू ही पतवार है, ऐसे कई भजन उसमें हमने रिकॉर्ड किए। और वो सीडी जब तैयार हो गई तो किसी संगत के साथ हम फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के बहुत ही प्यारे और रिस्पेक्टेड गौरव अंकल जी, उनके पास मुझे जाने का मौका मिला। ऑफिस में मैं गया बड़े मंदिर में और वो सीडी मैंने उनको उनको दी और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि कभी मौका लगे तो आप मुझे ज़रूर सेवा दीजिएगा,
कि मैं महाराज के चरणों में सेवा कर सकूं। तो उन्होंने बड़ी खुशी से, और उन्होंने भी उस सीढ़ी को लिया और कहा ठीक है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो महाराज की कृपा से बड़े मंदिर में कैसे मुझे सेवा मिली, उसका भी एक सत्संग है, वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा आज। कि उसी टाइम में 2016 में ही पंजाब और दिल्ली के बीच में जो लाइक करनाल और पानीपत इस साइड में कुछ फार्मर्स की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने रास्ते में ट्रैक्स जो हैं सारे बंद कर दिए थे, रेलवे ट्रैक्स हो गए चाहे रोड्स हो गई, तो उनको उन्होंने जाम कर दिया था, तो ट्रैफिक मूवमेंट बंद हो गई थी उस समय। तो बड़े मंदिर में किसी रागी साहब ने अमृतसर से आना था सेवा करने के लिए उस दिन, पर उस वजह से वो आ नहीं पा रहे थे, तो उनकी सेवा थी बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए। तो जब वो नहीं आ पाए थे तो मैं कहीं पे सत्संग कर रहा था साउथ दिल्ली में, तो मेरे सामने फ़ोन पड़ा हुआ था, तो उस पर बार बार कॉल्स आ रही थी मेरे नंबर पर, रिपीटेड कॉल्स आ रही थी। तो मैंने जब मैंने सत्संग गुरुजी का समाप्ति की, और तो मैंने सबसे पहले उसी नंबर पे जाके कॉल किया कि इतने सारी कॉल्स क्यों आई हैं मुझे। तो जब मैंने कॉल अटेंड की तो वो कॉल बड़े मंदिर से ही आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कल आपको शाम को आके और गुरुजी के बड़े मंदिर में कीर्तन की हाजिरी लगानी है। तो कई बार कई प्राइवेट जब वहाँ पे गुरुजी की संगत पुरानी संगत जुड़ती है तो कई बार वहाँ पे सत्संग होता है। फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैंने बड़े मंदिर में गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, रेस्पेक्टेड गौरव अंकल जी ने मुझे सेवा दी, और मैं महाराज के चरणों में सेवा कर सका। और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा आई 19 जुलाई 2016 को भी महाराज ने बड़े मंदिर में अपने चरणों में बैठा के मुझसे सेवा ली। एक सत्संग और जो है वो है कि हमने गुरुजी की के लिए भजन जो लिखने शुरू किए, वो कैसे शुरू किए, तो इसका भी एक सत्संग है बहुत बड़ा। जब गुरुजी का बर्थडे आने लगा, गुरुजी का 7 जुलाई 2016 का दिन नज़दीक आने लगा, तो जैसे पहले एक सीडी हमने निकाली गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तो ऐसे ही मन में आया कि महाराज मेरा मन करता है कि मैं कुछ नए भजन किसी से लिखवा लूँ, तो अगर कोई लिख दे हमारे लिए तो हम उसको कंपोज करके और हम गा दें उसको। तो इसके रिगार्डिंग हम किसी राइटर के पास गए, वो दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं और काफ़ी सिंगर्स के लिए वो लिखते हैं, ही इज़ अ गुड राइटर। तो मैं उनके पास गया, उनको रिक्वेस्ट की मैंने कि ऐसे ऐसे हमने गुरुजी के लिए मैं कुछ भजन लिखवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने गुरु जी की मैंने उनको एक किताब भी दी कि आप इसको पढ़िएगा और ताकि आपको थोड़ा पता लगे गुरु महाराज के बारे में। तो टाइम पास होने लगा, बट टाइम निकलने लगा, पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं। मैंने एक दो बार उनको कॉल भी किया पर वो टालते गए उस बात को। तो 7 जुलाई नज़दीक आने लगा तो मैंने कहा गुरुजी कोई भजन लिखा नहीं गया और मैं चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन पर मैं कुछ नया आपके चरणों में लेकर आऊँ। तो एक दिन की बात थी कि शायद मई 2016 की, तो गुरुजी के चरणों में मैं एक दिन जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बैठ गया और मैंने कॉपी पेंसिल ले ली और मैंने कहा गुरुजी अब आप ही लिखवा दीजिए, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा लिखवाने के लिए क्योंकि कोई नहीं लिख रहा। तो मैंने गुरुजी को कहा कि आप ही लिखवाइए गुरुजी। तो महाराज ने उस समय जो मैंने गुरुजी के लिए सबसे पहला भजन लिखा था, मेरे गुरुजी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां, सब लुट लो मौज बहार सदा खुशियां ही खुशियां, तो ये भजन की मैं दो लाइनें ज़रूर गाना चाहूँगा। आप सभी संगत जी का मैं धन्यवाद करूँगा जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं, और जिसमें इस समय मेरे पास जो सामने नाम आ रहा है रेणुका सिंह जी का और आशुतोष कुमार निगम जी का सामने नाम आ रहा है। जय गुरु जी, आप सभी संगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने प्यार से इस सत्संग को सुन रहे हैं। सो इस भजन की मैं दो लाइनें जैसे अभी संगत जी मुझे कह रही हैं, तो मैं भजन की दो लाइन्स ज़रूर गाऊंगा
मेरे गुरु जी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां, सब लुट लो मौज बहार। ओ मेरे गुरु जी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां, मेरे गुरु जी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां, सब लुट लो मौज बहार सदा खुशियां ही खुशियां, मेरे गुरु जी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां, मेरे गुरु जी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां। डुगरी दे अज भाग जगाए मेरे गुरु जी तारन आए, ओ डुगरी दे अज भाग जगाए मेरे गुरु जी तारन आए, अज हो रही जय जयकार सदा खुशियां ही खुशियां, सब लुट लो मौज बहार सदा खुशियां ही खुशियां, मेरे गुरु जी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां। जय गुरु जी। संगत जी, ये भजन जो था सबसे पहला भजन जो गुरु जी ने लिखवाया, और यहाँ से एक लिखने की जर्नी शुरू हुई मेरी, जो गुरु जी की कृपा से महाराज ने कई भजन उसके बाद फिर तो जैसे कलम रुकी ही नहीं। गुरु जी ऐसे लिखवाते थे कि कई बार सुबह 4 बजे हम जैसे सोया हुआ हूँ और एकदम से नींद खुलती है और कुछ शब्द आ जाते थे मेरे पास, गुरु जी एकदम ध्यान में लेके आते थे, तो मेरे पास फ़ोन पड़ा होता था, कोई नोटबुक भी नहीं होती थी, तो मैं फ़ोन को ही खोल के उसके नोट पैड पर जो वर्ड्स हैं कई बार उसको लिख लिया करता था, या जो उसमें रिकॉर्डर होता है बड़े ही, क्योंकि मैं ये भी चाहता था कि मेरी आंटी डिस्टर्ब ना हो, तो मैं बहुत ही सॉफ्टली उसको अपनी आवाज़ में गा दिया करता था कि जब मैं सुबह प्रॉपरली उठूँगा तो उसको सुन लूँगा कि मैंने क्या गा, मैंने मेरे ध्यान में क्या आया था। तो ऐसे गुरु जी ने बहुत ही सारे भजन लिखवाए। तो सोनिया सोरी आंटी कह रही हैं कि गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तो ज़रूर आंटी मैं इसकी 2 लाइनें आपको ज़रूर सुनाता हूँ गुरु जी की कृपा से। हाँ गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाम का माझी तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो महाराज के का भरोसा ही हम सभी का जो भरोसा है गुरु चरणों के साथ, वही हमें पार उतारता है गुरु चरणों का। सो भरोसा गुरु जी के चरणों के साथ सदा रखें। सो मैं बात कर रहा था 2016 में जब गुरु जी ने ये लिखवाने की मुझे सेवा बख्शी, ये कलम बख्शी गुरु जी ने, तो हमने फिर उसके बाद ये दूसरी सीडी गुरु जी दे दरबार सदा खुशियां ही खुशियां, इसको हमने रिलीज़ किया, और बड़े मंदिर भी महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया अंकल जी के पास भी, गौरव अंकल, रिस्पेक्टेड गौरव अंकल जी को भी मैंने जाके वो सीडी दी, बड़े खुश हुए वो उसको देखकर। तो ऐसे ये जर्नी गुरु जी की कृपा से चलती रही 2016 में। 2016 वॉज द पीक टाइम आई कैन से कि जब हमने गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा सत्संग गुरु जी ने हमें बख्शे, चाहे 2016 में जी के मंदिर की ओपनिंग होनी और वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे कीर्तन हुआ तो मुझे सेवा मिली, चाहे चंडीगढ़ मंदिर की जब नींव पत्थर रखा गया गुरु जी के मंदिर का तो वहाँ पे भी अंकल ने मुझे सेवा दी, सेवा बख्शी। तो ऐसे बॉम्बे में, मुंबई में गुरु जी के मंदिर में और भी कई जगह गुरु जी ने सेवा बख्शी। तो बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए मैं करना चाहूँगा इस समय, जहाँ गुरु महाराज का, मालक का, वहीं पे सारी मैनेजमेंट कमेटी बड़े मंदिर की, मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। 2016 जब 31 दिसंबर आया तो एक, मैं कह सकता हूँ उस समय एक पीरियड आया था, शायद संगत को पता होगा कि उस समय लाइव सत्संग
ऑलमोस्ट मना हो गए थे कि कहीं भी बैंक्वेट्स में कहीं भी सत्संग नहीं होंगे, सम देव सम इशू देव सम प्रॉब्लम, तो एकदम से सत्संग बंद हो गए। तो अब हम लोग, अब जैसे कहते कहते हैं, हमारा एक ये एज अ प्रोफेशन कह सकते हैं, एज अ लाइन मेरी जो थी वो सिंगिंग ही थी। तो मैंने सोचा कि एकदम से सत्संग बंद हो गए, जनवरी फरवरी 2017 का पीरियड आया, ऐसे कई महीने निकल गए। तो कई कई लोगों ने कहा कि आप कुछ और क्यों नहीं गा लेते, किसी और के लिए क्यों नहीं गाना शुरू कर देते, सो यू शुड कंटिन्यू विद योर सिंगिंग। मैंने कहा नहीं, मैंने जब 2000 महाराज को मैंने जब कहा था कि महाराज जी मैं तोड़े कोल आ गया हाँ गुरु जी, हूँ मैं कितने होर नहीं जाना, चाहे आप सेवा दो ना दो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है। तो माता पिता तो अपने बच्चों का हमेशा ख्याल करते हैं, तो वो पीरियड एक सभी जो सिंगर्स थे उस टाइम या उस टाइम के लिए, तो उनके लिए बड़ा ही एक ब्लैक पीरियड मैं कह सकता हूँ, महाराज की रजा जो भी कह सकता हूँ उस समय, कि काफ़ी महीनों तक किसी हमारे पास काम नहीं था कि हम कुछ करें, तो सत्संग नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पर गुरुजी की महिमा गानी या गुरुजी के लिए लिखना हमने बंद नहीं किया, गुरुजी लिखवाते रहे और मैं लिखता रहा, रिकॉर्ड करता रहा। जिसमें एक जब 17 का टाइम आया, 2017 में गुरुजी ने बहुत नए भजन लिखवाए, और जिस जिन भजनों को गुरुजी ने की कृपा से उससे उन भजनों से संगत का बहुत प्यार मुझे मिला, उन्होंने उस भजनों को बहुत ही प्यार दिया, जिनमें से भजन है हथ जोड़ कर अरदास, गुरु जी सुन देने, तू रख मन विच विश्वास, गुरु जी सुन देने। तो गुरु जी ने ये भजन महाराज ने लिखवाया मुझसे, और एक बार तो साड़ी याद गुरा नू आई होनी है। तो ये भजन तो और भी कई लिखे, पर ये दो तीन भजन दे जो थे उस समय, तो संगत जी ने बहुत पसंद किए और गुरु जी का बहुत इसमें आशीर्वाद मुझे मिला। गुरु जी जहाँ भजन लिखवाते थे, ऐसा नहीं कि मैंने भजन लिख दिया और अभी उसकी किसी ने उसने कंपोज कोई और करेगा, तो ये भी गुरु जी ने दाद बख्शी हुई थी मुझे कि जहाँ भजन मैंने लिखा, साथ साथ ही उसकी उसको गाना किस तरीके से है, लाइक सिंगिंग किस वे में करनी है, तो वो भी एकदम से साथ में ही आती थी मेरे। ये भी महाराज की कृपा थी। तो उसको किस तरह गाना है, किस लय में गाना है, उसका अंतरा किस उसका क्या रूप होना चाहिए, तो वो भी गुरुजी उस समय मुझे कृपा करते थे मेरे पर। तो मैं उसको साथ साथ ही लिखता था, और साथ साथ ही हम उसको उस ट्यून को, व्हाट वी से द ट्यून, उस ट्यून को हम रिकॉर्ड कर लेते थे कि कहीं फिर भूल ना जाए बाद में, जब मैं इसको प्रॉपरली कहीं सत्संग में रिकॉर्ड गाने जाऊँ। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना आप सभी संगत जी का जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सपना अरोड़ा जी, जय गुरु जी, रविंद्र भाटिया अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपके बहुत प्यारे सत्संग हम रेगुलरली सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी संगत को गुरु चरणों से जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, जय गुरु जी। मधुपोपली जी रिक्वेस्ट कर रही हैं, एक बार तो साड़ी याद गुरा नू आई होनी है, तो मैं ज़रूर इन शब्दों की, इन भजनों की लाइंस जो हैं आप सभी संगत को ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो एक छोटा सा सत्संग में महाराज के एक जो फ्रेग्रेंस का है, वो कहते हैं ना कि गुरु जी की जब जहाँ प्रेजेंस होती है वहाँ पे गुरु जी की फ्रेग्रेंस बहुत आती है, तो इसको मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया, कई बार मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है गुरु जी की फ्रेग्रेंस का। बट जो मुझे हम लोग काफ़ी टाइम पहले की बात है, ऑलमोस्ट 3 4 साल पहले, हम हमारे बहुत ही प्यारे अंकल अनिल अरोड़ा अंकल जी, तो उनके साथ मैं एक सत्संग हम लोग अटेंड करके साउथ दिल्ली से और वापस आ रहे थे। तो मेरी गाड़ी में ही थे अंकल अंकल और उनकी वाइफ, उनकी आंटी, तो वो पीछे बैठे हुए थे, मैं और मेरी आंटी मेरे साथ बैठे थे, तो हम लोग ड्राइव करते वापस अपने घर आए। तो जैसे ही मैंने अनिल अरोड़ा अंकल जी को ड्रॉप किया उनके घर पर कीर्ति नगर में, तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, तो मुझे मेरे एसी के ब्लोअर में से ऐसा फील हुआ कि जैसे बहुत ही हज़ारों फूलों की, एक गुलाब के फूलों की खुशबू आई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने अपनी आंटी को बोला, मैं कहा किसी ने सेंट तो नहीं छिड़की, या आपने कहीं सेंट तो नहीं छिड़की, कोई फ्रेग्रेंस तो नहीं लगाई? कहती है नहीं।
मैं कहा इतनी इतनी खुशबू कैसे आ रही है? तो वो खुशबू तब तक आती रही जब तक हम अपने घर नहीं पहुँचे, और उस ब्लोअर में से, एसी के ब्लोअर में से वो खुशबू आती रही, नॉन स्टॉप आती रही। सो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि गुरुजी यहाँ पे मौजूद हैं, गुरुजी इज़, आई कैन फील गुरुजी हियर। सो गुरुजी अपनी प्रेजेंस इस तरह दिखाते हैं, नहीं तो फ्रेग्रेंस आना, जहाँ इस समय मैं बैठा हुआ हूँ अपने घर में, यहाँ पे भी मैंने कई बार इसके आसपास, इस जगह के आसपास गुरुजी की फ्रेग्रेंस को फील किया है कि यहाँ पे। और मैं बाहर जाके देखता हूँ दरवाज़ा खोल के कि किसी ने कोई ऐसी जगह, कुछ ऐसी कोई, किसी ने फ्रेगरेंस छिड़की तो नहीं है, या कुछ क्या बात है, क्यों फ्रेगरेंस आ रही है? सो आई हैव फेल्ट दैट फ्रेगरेंस मैनी मैनी टाइम्स गुरु जी की। एक सत्संग और करने से पहले मैं रिक्वेस्ट, मुझे जो आई थी एक बार तो साड़ी याद वो ज़रूर, और रिक्वेस्ट है प्रिया कथुरिया जी कर रही हैं हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको भी ज़रूर गाऊंगा। पहले यही गा देता हूँ आपकी रिक्वेस्ट। हो हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जन जन की सेवा, यही मेरी पूजा, तुम ही हो, तुम हो नहीं और दूजा। जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ तुम ही तुम हो, हमें रास्तों की। एक अगला भजन जो रिक्वेस्ट आई है, एक बार ता साड़ी याद। हो जिमें साड़ी का पाया गुरनों मिलने लई, जिमें साड़ी का पाया गुरनों मिलने लई, एक बार ता साड़ी याद गुरानों आई होनी। हो एक बार ता साड़ी याद गुरानों आई होनी, हो जिमें असा परीता पाया गुरानों मिलने लई, उस प्रीत दी रीत गुराने निभाई होनी, हो उस प्रीत दी रीत गुराने हानि भाई होनी। मेरे मालक दी वडियाइया मैं की कर पावा, मेरे मालक दी वडियाइया मैं की कर पावा, मैनू दिता जो मेरे गुरु ने मैं की लौटावा, हो मैनू दिता जो मेरे गुरु ने मैं की लौटावा। एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई, एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई, उस कौड़ी नू भी भाग गुराने लई होनी, हो उस कौड़ी नू भी भाग गुराने लई होनी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और आ रही है, गुरु जी मेरे आए मेहरा हो गईयां, जिथे चरण टिकाए मेहरा हो गईयां। ये भी 2016 में हमने जब सीडी निकाली थी तो उस समय ये भजन हमने गाया था गुरु जी की दया से। हो जिथे चरण टिकाए, जिथे चरण टिकाए मेहरा हो गईयां, गुरु जी मेरे आए मेहरा हो गया, हो गुरु जी मेरे आए मेहरा हो गया। शुक्रिया।
और जिस भजन से गुरुजी ने जो पहचान कहते हैं कि मुझे मिली, वो भजन भी मैं ज़रूर गाना चाहूँगा गुरुजी के आशीर्वाद से। साढ़े नैणा में गुरु जी का रूप वसया, नैण खोला किवें। सो इस भजन की भी दो लाइनें आप सभी संगत की रिक्वेस्ट पर जरूर गाऊंगा। मधु पोपली जी रिक्वेस्ट कर रही हैं, कोई पहुंचा दो संदेश मेरा, मन लगदा नहीं गुरु जी तुम बिन। हो साड़ी नैना विच गुरु जी दा रूप बसिया, नैन खोला किवे, नैन खोला किवे। साड़ी नैना विच गुरु जी दा रूप वसिया, नैन खोला किवे जी, नैन खोला किवे, नैन खोला किवे जी, नैन खोला किवे। साडे नैणा विच गुरु जी दा रूप वसिया, नैन खोला किवे जी, नैन खोला किवे। रूप रब दा तू जग विच आ गया, रूप रब दा तू जग विच आ गया। तिन्ना लोका विच धुमा उता पा गया, शोभा सुन के ते, शोभा सुन के ते धरती अंबर हसिया। नैन खोला किवे, नैन खोला किवे, नैन खोला किवे जी, नैन खोला किवे। साड़ी नैणा विच गुरु जी दा रूप वसिया, नैन खोला किवे, नैन खोला किवे। तो एक सत्संग गुरु जी का, गुरु जी कहते हैं ना कि वैसे तो मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है। एक संसारिक वस्तु महाराज से मैंने एक बार मांगी। मैं कीर्तन करने के लिए कहीं जा रहा था, गुजरावाला टाउन कीर्तन था हमारा गुरुद्वारा साहिब में। तो आई वॉज ड्राइविंग अ न्यू कार एट दैट टाइम ऑल्सो, साल ही हुआ था, बट एक नई गाड़ी बहुत अच्छी लगी जो लॉन्च हुई थी उस दिन, उन्हीं दिनों में 2017 में लॉन्च हुई थी। तो वो गाड़ी मेरे आगे जा रही थी। सो आई सॉ दैट कार वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप साहब गाड़ी में के आगे ही जैसे डैशबोर्ड पे लगा हुआ है, मैं कहा गुरु जी गड्डी तो बड़ी चंगी लगती है, जे तुहाड़ी कृपा हो जाए तो मिल जाए तो बड़ा चंगा होए। फिर मेरे मन में सोचा, अभी तो एक साल ही हुआ है गाड़ी जो हम चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। बट गुरु जी को मैंने ये बोल दिया कि गुरु जी, वो गाड़ी, एक गाड़ी आगे चल रही थी और एक गाड़ी मेरी गाड़ी से पीछे चल रही थी। एंड दैट गाड़ी, दैट कार वॉज द जीप, अमेरिकन ब्रांड की गाड़ी थी, जीप कंपास। तो गुरुजी से रिक्वेस्ट करी और हम लोग अपना कीर्तन करने चले गए और अपना अगले दिन घर आ गए। एकदम ऐसे सर्कमस्टेंस गुरुजी ने बना दिया एक दिन में ही, कि विद इन टू डेज जो गाड़ी में ड्राइव कर रहा था होंडा सिटी, तो ड्राइव तो समन कॉल मी और कहते हैं आपने गाड़ी बेचनी है। मैंने कहा ठीक है बेच देते हैं, प्राइस ठीक मिल गया। और हमने दैट वॉज 18 फरवरी 2018, तो हाँ 2018 की बात है, 18 फरवरी की। तो हम लोग गाड़ी बेच दी दो दिनों बाद। और अभी हम लोग, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि गुरुजी जहाँ बेचते हैं वहाँ पे भी उनके अपने कैसे बड़े ही भक्त हमें संगत मिली, कि जब हम उस गाड़ी के शोरूम में मैं गया, जीप कंपास के, फिएट को ऑथराइज था, ऑथराइजेशन उस गाड़ी को बेचने के लिए। तो जब हम उस शोरूम में गए तो उस समय सारे जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो बिज़ी थे किसी न किसी के साथ उनको अटेंड करने के लिए। तो खुद मैनेजर ने देखा कि भाई ये खड़े हुए हैं और कोई वेट कर रहे हैं, तो वो खुद मेरे पास आए और कहने लगे हाँ बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक डेस्क पे हमें बैठा दिया, चेयर्स पे, और वो सामने आके बैठ गए। जब मैं रूबरू उनसे बात कर रहा था फेस टू फेस और आई कॉन्टैक्ट में,
तो मुझे पूछने लगे आप शिव जी को मानते हैं, तो क्या आप शिव जी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं शिव जी, हमारे जो गुरु जी महाराज हैं वो महाशिव अवतार, और गुरु जी के जहाँ मंदिर जाते हैं वहाँ पे शिव जी महाराज का बहुत बड़ा ही स्वरूप साहब लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, और जरूर हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो कहते हैं फीलिंग आ रही है आपके उसमें से ना मुझे कि आप शिव जी को मानते हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे कहने लगे वैसे तो 6 महीने, 3-4 महीने की वेटिंग है गाड़ी की, बट एक गाड़ी खड़ी हुई है सिल्वर कलर की, तो अगर आप कहें तो वो गाड़ी आपको दे देते हैं। वैसे हम इतनी जल्दी मिलती नहीं है, बट मैंने कहा मिले मुझे चाहिए कल ही, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी दे चुका हूँ और मुझे गाड़ी चाहिए। सो ही सेड ओके, जो टाइम लोन प्रोसेस में लगेगा 1-2 दिन का वही होगा, जैसे ही आपका लोन पास होगा आप गाड़ी ले जाइए। सो संगत जी, विद इन जो मैंने मन में सोचा था कि गुरु जी गड्डी चंगी लग दी पई है जे मिल जावे, तो गुरु जी ने उस बात को विद इन अ वीक टाइम, इट वॉज 25th of February 2018 जब वो हमने गुरु जी ने वो गाड़ी भेज दी, और हमने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी तुसी सबनियाँ पुकारा सुन दियो। मैं तो वैसे ही मन में सोचा था कि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये गुरु जी संसार की वस्तुएं भी बख्शते हैं, संसार जी इस संसार की भी और परलोक की भी। महाराज कहते हैं लोक ते परलोक दे सुख। आपने जो वो कथा सुनी होगी जिसमें मैंने जिवें असां उड़ीकां पाइयां में एक लाइन आती है, एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई, तो उसमें जिस संगत ने वो सुनी होगी वो कथा को, तो उसमें था कि भाई गरीबू जी गुरु अर्जन देव महाराज को कहते हैं कि गुरु साहेब आप तो समर्थ हैं, चाहे तो लोक और परलोक दोनों के सुख दे सकते हैं, है ना। तो गुरु जी तो उनको उनकी झोली में गुरु महाराज ने उस समय गुरु अर्जन देव जी ने लोक और परलोक के सुख उन्हें बख्शे थे। सोनिया कथोरिया आंटी रिक्वेस्ट कर रही हैं बड़े मंदिर दया माल का, ज़रूर मैं बहुत जल्दी उसको गाने लगाऊं। तो गुरु जी जहाँ हमें संसार के सुखों से निवाजते हैं, वहीं महाराज हमारे कर्मों को भी काटते हैं, गुरु जी हमारे पे सदैव कृपा बना के रखते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना महाराज का।